एहतजाज करना है या मुज़ाकरात, 24 नवंबर को क्या होगा? तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद कन्फ्यूजन में फंस गई। बुशरा बीबी फाइनल कॉल का कहकर बाहर निकलने के लिए जोश दिलाने लगी। अली अमीन गंगापुर अडियाला जेल से मुज़ाकरात के नाम पर सरेंडर का परवाना लिए बाहर आ गए। एहतजाज करना है या मुज़ाकरात, 24 नवंबर को क्या होगा? तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद कन्फ्यूजन में फंस गई। बुशरा बीबी फाइनल कॉल का कहकर कारकुनों को बाहर निकलने के लिए जोश दिलाने लगी। कारकुनों के शनाख्ती कार्ड ले लिए, अरकान असेंबली को कोई होशियारी ना करने का वाज़े पैगाम समझा दिया गया। दूसरी तरफ अडियाला जेल में कुछ और ही चल रहा है। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए गए लोग समझे बड़े एहतजाज का बड़ा प्लान बन रहा है, लेकिन वो मुज़ाकरात के नाम पर सरेंडर का परवाना लिए बाहर आ गए। बानी पीटीआई ने हर सूरत फैसला साजों को मनाने का टास्क दे दी। अलीमा खान फिर धुआंधार गुफ्तगू कर गई, लेकिन अपनों ही के खिलाफ। कहा कि मुज़ाकरात होंगे और ताकतवर हलकों से ही होंगे। अलीमा खान के इस बयान ने एहतजाज के गुब्बारे से हवा निकाल दी। सियासी फिसाद पर नजरें जमाने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के कमान संभालने पर अलीमा खान नाराज हैं और उनका हर बयान दरअसल क़यादत के खिलाफ है।